और कितने रूप दिखाएंगे आप अपने? वो नके आप मेरे घर में घुसाए, शर्म भी नहीं आई आपको? अकेली लड़की का अब उस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, वो मेरी बात नहीं मान रही, बहुत ठीठ और जिद्दी हो चुकी है। अरे कुलसुम, प्यार से समझाना था उसे, अखबारों वाले कहानियां ढूंढ रहे हैं। ये बात दूर दूर तक फैल चुकी है, सबको पता चल चुका है, यहाँ तक के अखबार में भी छप चुका है। तो आपकी मोहब्बत की दुम इतनी कमजोर थी जो यूं टूट गई एक पल में? नैना कल भी पाक थी और आज भी पाक है, उतनी ही मासूम है। सॉरी, मुझे आपकी फ्रेंड के बारे में पता चला, लेकिन जानिए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि बस एक तूफान था जो आया और अपने साथ बदनुमा यादें छोड़ गया। मैंने आपको कई बार फोन करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैंने अपना सेल ऑफ किया हुआ था, लोगों के सवाल मैं उनको जवाब नहीं दे पा रही थी। ठीक कहते हैं आप, लोगों के सवाल तो कभी खत्म ही नहीं होते हैं, जिंदा रहो तो सवाल, मर भी जाओ तब भी सवाल, और ना मरो और ना जिंदा रहो तब भी सवाल। क्या बीती होगी उस मासूम लड़की पर, कैसे निकलेगी इस अजाब से? और आपने तो बताया था कि उसकी तो शादी होने वाली थी, उसके मंगेतर पर क्या गुजरी होगी? मंगेतर? क्या गुजरनी थी उसके मंगेतर पे? ये क्या कह रही हैं आप? आप ही ने तो बताया था कि नैना अपने मंगेतर से बहुत मोहब्बत करती है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? मोहब्बत तो सिर्फ एक दिखावा था। नहीं मैं जानी, नहीं, मोहब्बत दिखावा नहीं होता, मोहब्बत के तार तो दिल के तारों से जुड़े होते हैं, जिसमें खुदा रहता है। और वो सब कुछ जो नैना के साथ हुआ, जितना बुरा सुलूक उसके साथ किया गया, उसके बाद कौन करेगा उससे मोहब्बत के दावे? क्यों क्यों नहीं कर सकता? इसमें उस बेचारी मासूम का तो कोई कसूर नहीं है। वो जालिम, उसका वजूद तो नापाक कर सकते थे, लेकिन उसका दिल तो अब भी वैसे ही पाक है। कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हैं, आजकल के जमाने में किसी की ऐसी सोच नहीं है। देखिए मिजदानिया प्लीज, मैं कोई पागलों वाली बात नहीं कर रहा, ना ही मैं कोई जज्बाती बातें कर रहा हूं आपसे। अच्छा तो आप बताइए मुझे एक बात, आप कर सकते हैं एक ऐसी लड़की से शादी? हाँ, अगर मैं उस लड़की से मोहब्बत करता होता तो जरूर उससे शादी करता। ऐसे एक नाजुक वक्त में उसे क्यों तनाना छोड़ देता, ऐसे ही वक्त में सच्ची मोहब्बत होती है जो सहारा देती है। कहीं कहीं सिर्फ लफ्जों का सहारा तो नहीं ले रहे हो? जी नहीं, मोहब्बत खुद इतना मजबूत जज्बा है कि इसे छोटे छोटे लफ्जों के सहारे की जरूरत नहीं है। अगर नैना के मंगेतर ने उसे अकेला छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि उसे नैना से कभी मोहब्बत थी ही नहीं। Are you sure? Yes, I'm sure, 100%. Thank you, Ali. You're welcome. Take care. अगर मैं उस लड़की से मोहब्बत करता होता तो जरूर उससे शादी करता। ऐसे एक नाजुक वक्त में उसे क्यों तनाना छोड़ देता? ऐसे ही वक्त में सच्ची मोहब्बत होती है जो सहारा देती है। हेलो जी,
मैं मिसेस कुलसुम जमाल बात कर रही हूँ जी। क्या कह रहे हैं आप, इस केस से हमारा क्या ताल्लुक? हाँ ये ठीक है कि वो मेरी बेटी की दोस्त थी, लेकिन लेकिन क्या, लेकिन मैं कोई तस्दीक या तर्दीद करना क्यों चाहूंगी? जी नहीं, हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। व्हाट रबिश, दिमाग खराब कर दिया। फुल्ला जी, आप भी कुछ बोलिए, आपको भी कोई स्टोरी चाहिए? ओ जी जी, आप अली की अम्मी है ना? अरे क्यों नहीं पहचानूंगी आपको मैं, वो असल में नैना के वाक्य की वजह से हम सब बहुत परेशान हैं। बहुत बुरा हुआ उस मासूम बच्ची के साथ, और ज्यादा दुख की बात तो ये कि उसका बाप भी ये खबर सुनकर चल बसा। हाँ उसको हॉस्पिटल में दाखिल कराया है, इलाज हो रहा है उसका। अरे क्यों नहीं, ये आपका अपना घर है, जब भी आप आना चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने का। तानिया को उस घर से हर हाल में निकालना होगा, उस जगह की वजह से वो भी बदनाम हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि अली, नहीं नहीं, मेरी बच्ची की जिंदगी पर नैना के साथ होने वाले हादसे का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी नहीं। हाँ बोलो। क्या क्या बकवास कर रहे हो, कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता, ढूंढो उसे। क्या कह रहे हो तुम, उसे जमीन निकल गई, आसमान खा गया? आई डोंट केयर, मुझे आज शाम तक सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, आज शाम तक। ओके काम के लिए रखा है वही काम नहीं होता। छुप गया कोई रे ना के दूर से पुकार के, हाय 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 भाई, सारा घर खाली हो गया ना के सुनसान कर गई घर को। मैं भाई इतना नहीं किया कि बाबू भाई सामान रख लो तुम अपने घर पे, नहीं भाई बेच के चली गई ना के, बेच के कितना ख्याल किया। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वो उम्मीद साहबा यहीं रहती हैं? आप कौन हो जी? जी वो मैं उनका ऑफिस का कुली घूम, यहां से गुजर रहा था, सोचा उनसे मिलता चलूं। अच्छा जी, ना क्या आपको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा यहां। मैं पहले कभी आया भी नहीं। अच्छा किया जी। नहीं नहीं वो मेरा मतलब है कि वो जो आपकी उम्मीद है ना, वो पहले रहती थी यहां, अब नहीं। पहले रहती थी तो अब कहाँ चली गई? और देखो भाई साहब, मैं कोई थानेदार लगा हुआ, बताऊँ कहाँ चली गई, कहाँ रह रही है, कहाँ नहीं है, है? नहीं नहीं आप नाराज मत हो, मेरा मतलब है कि अगर वो यहाँ से गई है तो कुछ बता के तो गई होंगी, कोई अता पता, कोई ठिकाना। देखो भाई, बाबू भाई नाम है मेरा, नाम तो जानते हो मेरा ना, सुना होगा, एक ही एरिया में बाबू भाई है। और ऐसी एहसान फरामोश लड़की को ना मैं जानना चाहता हूं, ना जानता हूं ना के। सही यार, ये घर देख रहा हूं, कितना बड़ा घर है, और किसका होता ये? नहीं ईमानदारी तो किसका होता? अरे उसी का होता ना यार ये, लेकिन नखरे, ओह मेम साहब के नखरे आसमान से बातें कर रहे हैं। नहीं वो मैं कुछ समझा नहीं,
ऐसी क्या एहसान फरामोशी कर दी उसने आपके साथ? देखो भाई, एक बार बताऊंगा दोबारा नहीं बताऊंगा। बाबू भाई की आदत नहीं है बार बार कहने की, समझ गया ना? के ये इतना बड़ा घर है ना, अकेली लड़की को किराए पे देता है ना? के नहीं, एक बात है, मैंने दिया। अरे बाबू भाई ने दिया ना के, इतना ख्याल रखा उसका, इतना ख्याल रखा ना के कि तुम्हारी सोच होगी। ये फैसला किया था कि मैं उस लड़की का ख्याल करूंगा, उसको सहारा दूंगा। अरे मैंने तो यहां तक सोचा था कि मैं उसके साथ घर बसाऊंगा। घर बसाऊंगा? ऐसी बातें समझ में नहीं आती ना कि तुम्हारे हैं। घर बसाने की सोची थी बाबू भाई ने उसके साथ, लेकिन भाई वो तुम्हारी उम्मीद है ना, वो बाबू भाई की उम्मीदों में पानी फेर के खुद मुझ पे इल्जाम लगा के फटाफट निकल दी वो गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल? कौन से गर्ल्स हॉस्टल? मुझे क्या पता कौन से गर्ल्स हॉस्टल, मैं क्या जानू। और एक बात और बताओ, तुम्हें मेरा तो ख्याल है कि वो गर्ल्स हॉस्टल में नहीं गई है, ये सब ढोंग है ढोंग। अरे ना के, बाबू भाई को सब पता है यार, यहाँ बड़े सेठ हैं। क्या कह रहे हैं? बस जो कह रहा हूँ ना भाई, मैं वो सही कह रहा हूँ ना के, समझे? हेलो, हाय, क्या हो गया? आज बहुत देर हो गई। हाँ, आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई, टेस्टिंग में देर हो गई थी। तुमने खाना खा लिया? हाँ, काफ़ी देर तक तुम्हारा इंतज़ार किया फिर खा लिया मैंने। सॉरी यार, दिमाग अगर सही होता तो तुम्हें कॉल ही कर लेती मैं। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। वैसे एक अच्छी न्यूज़ है। हाँ, वो क्या? मेरी मामा और आपा कराची आ रहे हैं, आपा की पोस्टिंग हो गई ना यहाँ। अरे वाह, मुबारक हो। हाँ, बेचारी कब से कोशिश कर रही थी आपा, वो रिश्वत और तालुकात पे अपना काम नहीं करवाना चाह रही थी। बस यूँ समझ लो कि मेरी दुआ कबूल हो गई, मामा भी मेरी वजह से बहुत परेशान रहती थी। फिर तो तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की खबर है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, 2 साल इस हॉस्टल में गुजारे, अब मामा के हाथ की बनी हुई रोटियाँ खाऊंगी मैं बस। बहुत लकी हो तुम। हाँ, जिसके पास माँ की नेमत हो वाकई वो बहुत लकी होती हैं। आपा बिल्कुल जवानी में बेवा हो गई, जैसे मामा की जिंदगी वीरान हो गई, अब हम दोनों बहनें ही उनकी कुल कायनात हैं। लेकिन हम दोनों बहनों ने कभी उन्हें बेटों की कमी महसूस नहीं होने दी, और हमारे प्यारे अरसल ने इस दुनिया में आकर हमारी बेटी की कमी भी दूर कर दी। अरसल तुम्हारा भांजा? हाँ, बहनोई के इंतकाल के 2 महीने बाद पैदा हुआ। आई एम सो सॉरी। हाँ, ये तो होता है ज़िंदगी में, कभी धूप कभी छाँव। खैर, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, ठीक है? हेलो जी जनाब, मिल गया आपको मेरा मैसेज? फुर्सत मिल गई मुझे फ़ोन करने की? ओहो, अच्छा, बहुत अच्छी लड़की है, बस सलामिया उस पर रहम करें। चलो ठीक है अली, ओके बाय। वैसे ये अली कौन है? बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। सिर्फ दोस्त? वैसे अब जो ये चेहरे पे तुम्हारे रौनक नजर आ रही है, कुछ देर पहले तो नहीं थी? वहम है तुम्हारा। नहीं उम्मीद बेगम, ये मेरा वहम नहीं है, बल्कि इसे मोहब्बत कहते हैं। अच्छा, मैं टीवी देख लूँ? देख ले। थानिया, मुझे अजीब तरह के फोन आ रहे हैं, जिसके मुंह में जो आ रहा है बके जा रहा है। और उस दिन तुमने बिलाल का रवैया तो देख लिया था ना, उसी से तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा।
सही कह रही हैं आप। जानती हैं मुझे भी इस किस्म की डम कॉल्स आ रही हैं, अजीब और गरीब बातें कर रहे हैं लोग फ़ोन करके। मेरी समझ में एक बात नहीं आती मम्मी, लोगों के दिमाग में कहाँ से ये शैतानी ख्याल आ जाते हैं। ये दुनिया है, यहाँ लोग ज़ख्मों पर नमक तो छिड़कते हैं लेकिन इन ज़ख्मों पर मरहम रखने वाला कोई नहीं होता। यू आर राइट मम्मी, ये दुनिया बहुत सालन है। इसीलिए तो कह रही है तुम अपनी जिद छोड़ो और चलो मेरे साथ, घर चलो वापस। मैं जानती थी आप ये ज़रूर कहेंगी, इसलिए मैं पहले ही फैसला कर चुकी हूँ। फैसला? कैसा फैसला? यही कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी लेकिन मैं यहाँ से गर्ल्स हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊँगी। क्या, गर्ल्स हॉस्टल? पागल हो गई हो तुम? अपना घर होते हुए तुम गर्ल्स हॉस्टल में जाके रहोगी? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और तुम मेरे लिए क्यों मसाइल खड़े करने चाहती हो? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ दानिया। मम्मी मैं एक बार फैसला कर चुकी हूँ और जब मैं फैसला कर लेती हूँ तो उसी पर डटी रहती हूँ, मैं गर्ल्स हॉस्टल ही शिफ्ट होंगी। दानिया, अली की अम्मी से मैं तुम्हारे रिश्ते की बात कर चुकी हूँ, जरा सोचो तो सही, वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? लेकिन आपने मुझे तो इस बारे में पहले कभी कुछ नहीं बताया। कैसे बताती मैं तुम्हें? पहले तुम नैना की शादी की तैयारियों में मसरूफ थी और उसके बाद नैना के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, उस हादसे ने तो हमें हिलाकर रख दिया, और उस वक्त मैं तुम्हें ये बात कैसे बताती दानिया? लेकिन अली ने भी मुझसे कोई बात नहीं की। हो सकता है मेरी तरह अली की अम्मी ने भी अली से बात नहीं की हो, लेकिन तुम क्यों परेशान हो रही हो? How come it's possible? क्या हुआ दानिया, किन सोचों में गुम हो गई? कुछ नहीं मम्मी। मम्मी शादी एक बहुत अहम फैसला होता है और मैं ये चाहती हूँ कि इस बारे में मुझे पता होना चाहिए कि अली क्या सोचता है। अली कुछ भी सोचे लेकिन उसकी अम्मी तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचती है, तुम फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा। एक बात तो बताओ जी, तुम मेरे इस फैसले से खुश तो हो ना? क्या किस्मत पाई है राहिल साहब आपने, अगर ये पापे चाय में डिबो के ही खाने थे तो शादी क्यों की थी मैंने। क्या है, क्या बड़बड़ कर रहे हो? नैना बेगम मैं बड़बड़ नहीं कर रहा हूँ बल्कि अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। अब तुम्हारी किस्मत ही खराब थी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? नैना बेगम किस्मत तो मेरी बहुत अच्छी थी, वो तो डूब गई है तुमसे शादी करके। गिला गिला गिला, हर वक्त गिला करते हो तुम, कभी खुश ना होना। किस बात पे खुश हूँ, ये पापे खा के या तुमसे शादी करके खुश हूँ? ना शुक्र आदमी, क्या कमा के लाते हो तुम मेरे लिए? हाँ तुम्हारे सामने अगर मैं नोटों की बोरियां भी रख दूँ ना तुम तब भी खुश नहीं होगी। ये तो पागल आदमी है, ना तो सोने देता है मुझे और ना चैन से मरने देता है। अच्छा भला सो रही थी मैं, नींद खराब कर दी मेरी। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं अब मजीद तुम पे अपनी परेशानियों का बोझ नहीं डालना चाहता। ये बोझ नहीं उम्मीद, ये तुम्हारा मुझ पर हक था, लेकिन तुमसे कोई गलती हुई क्योंकि शायद मुझी से कोई गलती, मुझे तुमसे बार बार पूछना चाहिए था। अच्छा आप छोड़ो ना, इन बातों को सोचने का क्या फायदा, बस ये दुआ करो कि ऐसा सब कुछ दोबारा ना हो। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर ऐसा हुआ ही क्यों। छोड़ो ना, बताओ उस लड़की का क्या हुआ? उस लड़की के मंगेतर ने उससे शादी करने से मना कर दिया। ओह माय गॉड, बहुत बुरा हुआ, वो तो तन्हा रह गई होगी। तन्हा तो तुम भी हो। क्या मतलब तुम्हारा?
मैं ठीक कह रहा हूँ उम्मीद। तुम्हें अब अपनी जिंदगी के बारे में कोई फैसला करना चाहिए। कैसा फैसला? देखो उम्मीद, अब तक जो कुछ भी हो चुका है वो अच्छा नहीं था, लेकिन अब आने वाली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी दोबारा हो। उम्मीद, तुम्हें तहफ्फुज़ की जरूरत है, और मैं चाहता हूं कि मैं ये तहफ्फुज़ तुम्हें दूं। मुझसे शादी करोगी?